नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी संस्कृत अध्यक्ष हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब कुशलतापूर्वक घर में होंगे। आज हमारे ये पहली कक्षा है, कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम हमारे मन को उस समय के लिए शांत कर दें। शांत मन शांत भावनाओं का विकास दिलाए। अगर मन हमारा शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो हम अच्छे अच्छे भावनाओं को हमारे अंदर हम जागृत कर सकते हैं। आशा है कि अभी सभी अपने अपने मन को अपने अपने अधीन में ले आए होंगे। चलो आइए अपने पाठ्यपुस्तक नवीन कणिका पृष्ठ संख्या 10 में आइए। वहाँ पर पाठ जो है सुभाषितानी खोलिए और देखिए, उसे बहुत सारे श्लोक लिपिबद्ध हैं। इसमें से आज जो हमारे पहले श्लोक है वो इस प्रकार के सुभाषितानी। सु शब्द का अर्थ है उत्तम, अच्छा। तो हमें हमेशा हमारे वाणी में हमारे वचन में अच्छे भाव रखना चाहिए। तो कैसे हम अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे भाव हमारे अपने अंदर रखेंगे, हमारे भाव में रखेंगे, हमारी बातों में रखेंगे, हमारी कथा में रखेंगे, किस प्रकार रखेंगे? जब हम अपने मन को शांत रखेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले बोली कि आप अपने मन को उस समय के लिए शांत कर दीजिए। सु शब्द का अर्थ है उत्तम या अच्छी, अच्छा अच्छा। भाषितानी बोलना चाहिए, भाषितानी बोलना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहिए। तो जहां पर अच्छी बातें हमारे लिए लिपिबद्ध है उसे हम सुभाषितानी श्लोक संख्या कहते हैं। ये सुभाषितानी को हम नीति श्लोक भी कह सकते हैं, जो हमारे दैनंदिन जीवन में कार्यों में हम उसको प्रयोग करते हुए आगे बढ़ सकते। आइए अभी हम श्लोक पर पहुंचे। श्लोक पर एक बार नजर डालिए। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतो सुखम्। और एक बार मेरे मुंह से श्लोक सुनिए और मेरे साथ ही साथ मनी मन वचन भी कीजिए। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतो सुखम्। फिर से सुनिए। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतो सुखम्। एक नीतिपूर्वक श्लोक है जो आपके दैनंदिन जीवन में अति आवश्यक है। इसके अर्थ भी ध्यान से सुनिए। अलस्य शब्द का अर्थ है आलसी, अलसस्य शब्द का अर्थ है आलसी। जो आलसी है, जो अपने जीवन में स्फूर्ति नहीं लाता, परिश्रम नहीं करता, उद्यम नहीं करता आगे बढ़ने के लिए, उसे आलसी कहा जाता है। अगर वो आलसी रहेगा, कुतो, एक आलसी व्यक्ति के लिए कुतो शब्द का अर्थ है कैसे? विद्या ज्ञान। तो एक आलसी व्यक्ति को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुए? आप सोचिए, अगर आप एक जगह में बैठे हुए रहोगे, अध्यापिका कक्षा में क्या पढ़ा रही है उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुनोगे, या घर में अगर समय पर आप पढ़ाई का कार्य नहीं करोगे, तो क्या आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? तो इससे स्पष्ट मात्रा में आपको पता चल गया होगा कि विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना जरूरी है। तो आलसी व्यक्ति को कैसे विद्या प्राप्त होगा? विद्या प्राप्त करनी है तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा। अगर
करके परिश्रम करके विद्या को प्राप्त कर भी लिया, उसके बाद क्या होता है? अविद्यस्य कुतो धनम्। अविद्य जो मूर्ख है, जो विद्या को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है, जो मूर्ख है, जो विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। कुतो कैसे? मूर्ख कभी धनम धन को प्राप्ति कर सकता है? जो मूर्ख है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, क्या वो धनवान बन सकता है? नहीं बन सकता। धनवान बनने के लिए सबसे पहले हमको आलस्य छोड़ना पड़ेगा। आलस्य छोड़ेंगे तो हम विद्या को प्राप्त करेंगे। अगर हम आलस्य को नहीं छोड़ेंगे तो हम विद्या को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो हम अविद्या बनकर रह जाएंगे, हम अज्ञानी बनकर रह जाएंगे। अगर हम अज्ञानी बनकर रह जाएंगे तो हमें धन प्राप्ति नहीं होगा। हम कैसे कमाएंगे, कैसे धन प्राप्ति करेंगे? हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है। तो धन कमाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विद्या को प्राप्त करना। अभी धन अगर आपके पास कोशिश करे नहीं हुआ, क्योंकि आप अविद्या हो, आप विद्या को पहले हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि आप अविद्या में वितरण कर रहे हो, आप अविद्या में गुजर रहे हो, तो आप धन को नहीं कमा रहे, आप धनवान नहीं बन पा रहे हो। फिर तीसरे लाइन में पंक्ति में दिया गया अधनस्य कुतो मित्रम। अगर आप निर्धन हो, अधनस्य निर्धन व्यक्ति गरीब, अगर आपके पास धन नहीं है, कुतो कैसे? आपको मित्र प्राप्त हुए, आपने देखा होगा मित्र केवल उसी के होते हैं जो धनवान होते हैं। गरीब व्यक्ति को आजकल कोई नहीं पूछता। तो इसलिए अगर आपको मित्र कमाना है तो आपको सबसे पहले विद्या की ओर जाना पड़ेगा। सबसे पहले विद्या प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करने के बाद आपको धन कमाना, धन कमाने के बाद आपको अच्छा मित्र भी मिल सकता। फिर से मैंने आपको ये बता रही हूँ, अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी है उसको कहाँ से विद्या प्राप्त होगा? जो अविद्या है, अविद्यस्य कुतो सुखम, जो अज्ञानी है, जो विद्याहीन है, उनको कहाँ से धन प्राप्ति होगा? अधनस्य कुतो मित्रम, जो निर्धन है, जो गरीब है, उसको कहाँ से मित्र प्राप्त होगा? तो अगर जीवन में विद्या नहीं है, धन नहीं है, मित्र नहीं है, तो अमित्रस्य कुतो सुखम। अगर आपके पास मित्र नहीं है, आपके पास दोस्त नहीं है, मित्रहीन, अमित्र शब्द का अर्थ है मित्रहीन, आपके पास कोई मित्र नहीं है, सच्चा मित्र, आपको खराब करने वाले बहुत मित्र हैं, परंतु आपको सही रास्ता में लेने वाले एक भी मित्र नहीं है। सबसे मूल कारण क्या है? आप आलसी हो। अमित्रस्य कुतो सुखम, जो अमित्र है, जो मित्र ही न है, उसको कहाँ का सुख? वो कौन सा सुखी का जीवन जी यापन कर रहे हैं? वो सुखी नहीं है, वो सबसे बड़ा दुखी है इस संसार में। क्योंकि सुख मनुष्य के पास सब कुछ होता है, और सबसे मूल है कि वो परिश्रमी होता है। तो परिश्रम ही इस श्लोक के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको सिखाया जा रहा है कि परिश्रमी बनो, उद्यमी बनो, आलस्य को छोड़ दो, आलस्य को त्याग दो। जब आप आलस्य को छोड़ दोगे तो आप अच्छे विद्वान बन सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो। जब आप ज्ञानी बन जाओगे तो आप अच्छे धन कमा सकते हो। जब आप अच्छे धन कमा सकते हो तो आपको कोई ना कोई एक सच्चा मित्र मिल जाएगा। तो जब सच्चा मित्र आपके साथ हो ना, तो आपसे बड़ा सुखवान व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। तो आशा है कि इस श्लोक को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस श्लोक के माध्यम से दिया गया है जो नीतिवाणी है, तो आप अपने जीवन में भी उसको ग्रहण करोगे। आज इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले दूसरे एक श्लोक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।